أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا फ़ौज बिल्ल समीआलमिनैतम इिन हमज़ी ऊन ऊसमिल्लामरिम इलमिन मोहतरम नादरीन वसाम अल्लाम आलकम व्ल वक् आज के इस हफ्तवारी प्रोग्राम में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल हैं आज के प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है जैसा कि आपने सुना इस्लामी भाईचारगी अहमियत वरूरत हालात हादरा को मद्द नज़र रखते हुए ये मौजूद जो है चुना गया है दिया गया है इन शाला मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अहम पहलुओं की तरफ़ इशारा करूँ अल्लाह से हम दुआ करें कि जो भी बातें हम सुने अल्लाह समझने की तोफ़दा फरमाएँ और जिन बातों पर जिस तरह अमल करना लाजमी ज़रूरी है अमल की सहादत हमें नसीब फरमाए आमीन या रबालमीन महतरम नादरीन वसाम तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं हमारा दीनी रिश्ता हैं और मुसलमान भाई एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करते हैं आपस में हमदर्दी के जज्बात रखते हैं अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया अभी जो आयत करीमा मैंने पढ़ी हैं इन नमल ने खवाह के मोमिन आपस में भाई भाई हैं मोमिनों के आपस के ताल्लुकात की क्या नौ तो मैं बता रहा था सूर्य तोबा में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्द और मोमिना औरतों को आपस में जो है एक दूसरे का मददगार माविन अल्लाह ताला तान करार दिया है तो इस आपसी ताल्लुक की बिना पर एक दूसरे से खैर खाई करते हुए बाहम जो है नेकी की तलकीन करना बुराई से रोकना ये मोमिनों की जो है सिफ़त है अहम सिफ़त है अहम जिम्मेदारी है पांच वक्त की नमाज़ देखिए आपस में मिलकर मुसलमान मर्द बाजमात अदा करते हैं मस्जिद में मस्जिद में जो है अदा करते हैं इसी तरह मालदार जिनको अल्लाह ताला ने माल अता किया है अल्लाह माल खर्च करके ज़कात की शक्ल में या सदक़ा व खैरात की शक्ल में एक दूसरे के जो है की मदद करते हैं और उन खुशियों में जो है शामिल करने की कोशिश करते हैं इसी तरह बाहमी इजतमाही ज़िंदगी में भी हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि मुख्त ऐसे मुनासबात ऐसे मौके आते हैं जिसमें हर एक को यह हुक्म दिया गया कि हम मिल जुल कर काम करें मिल जुल कर रहें एक दूसरे के हमदर्द बने खैर ख़ाह बने अल्लाह के नबी सलीसम ने ममिनों की मिसाल दी बेहतरीन मिसाल देकर फरमाया मसलनी नफ़ी तवादीम और तराहम हिम व तातुफ हिम मसलोजिलवाहिद कि एक जिस्म के बराबर अल्लाह के नबी ने करार दिया आपसी उल्फत और मोहब्बत आपसी जो है हमदर्दी खैरखाई में और कहाँ कि जिस तरह जिस्म के किसी अज़ू को जो है तकलीफ़ पहुँचती है बुखार जब आता है ख़ास तौर से बेचैनी बेखरारी होती हैं पूरा जिसम जो है काँप जाता है तो अल्लाह के नबी सल्हसम ने यही जो है मिसाल दी है मोमिनों की मिसाल दी है कि आपसी उल्फत मोहब्बत में एक जिस्म के बराबर है और इस्लामी भाईचारा ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, है सुर आल इमरान हम पढ़े आयतम एक सौ तीन में अल्लाह की अल्लाह ताला ने इसी की तरफ इशारा किया है अल्लाह ने जहाँ इस बात का हुक्म दिया तस्म व बिहं अला तफर रखो तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरक़ ना करो इख्तिलाफ़ ना करो जुदा जुदा ना हो वहाँ अल्लाह तला ने जाहिलियत के दौर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी तुम जहन्नम के किनारे थे अल्लाह ताला ने तुमको उसको बचा उससे बचाया अल्लाह ने खसूसी जो है फ़द्ल करम हम पर फरमाया इसी तरह सुरानफ़ाल में अल्लाह ताली ने अपना सबसे बड़ा एहसान बताया कि लोगों के दिलों को जोड़ना उनमें उल्फत महब्बत पैदा करना ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ने वहाँ फ़रमाया बैन वाल्लाफा बैनू बम लौनफक्त फ़िलदी जमी अन्मा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए कहा कि अल्लाह ही है जिसने मोमिनों के दिलों में उल्फत मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की अगर आप ज़मीन भर के सोना भी ख़र्च करें इनके दिलों में मोहब्बत आप उल्फ़त पैदा नहीं कर सकते कायम नहीं कर सकते अल्लाह वला किनल्लाफ़ी ये जो मोहब्बत है ये येफत है आपसी हमदर्दी है खैर ख़ाई ये अल्लाह ताला ने जो है पैदा फरमाई है यकीन आजीज़ है गालिब है हमत वाला है इसी तरह आप देखें ये बहुत बड़ा एहसान जैसे मैंने कहा, अब्दुल्ला बिन जैद रदील कहते हैं रसोल्ला सल्स वसम फ़त मक् के बाद हुनै ग़ब हुनैन मशहूर हैं सन आठ हिजरी में अल्लाह के नबी सासु ने हुन को फतह किया गनीमत में जो माल आया प्यारे नबी सासु उस वक्त जो अभी अभी इस्लाम लाए थे उनमें अल्लाह के नबी सासु ने अक्सर माल उनमें तकसीम किया बहुत सारे नाम आते हैं सफ़ान बिन सफ़ान और तीकर साहबा जिन अल्लाह के नबी ने माल को तकसीम किया बहुत सारे ऊँट और माल में जो गनीमत में जो जो माल आया था आप सासुन ने खर्च किया उनको अता किया तो वहाँ और अक्सर किसको दिया महाजिर साहबा जो हिजरत करके मक्के से मदीना आए थे उनको दिया दियासारों अनसार जो मदीने के थे अल्लाह के नबी साहब ने उनको कुछ भी नहीं दिया तो नाराज़ हो गए वक्ती तौर से नाराज़ हुए बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं अल्लाह के नबी साहब को जब पता चला एक ख़ैमे में आप साहब ने उनको जमा किया उनके बड़े बड़े सरदारों को जमा किया कहा अयानसार की जमात अलम अजीत गुंदुल्लादा खुम्ल्ला भी वालत फ़ागना खुमल्लाबी और कहाँ व मुतफ़रक़ीना फ़जमा खुम लाबी ये सही बखारी सही मुस्लिम की रिवायत है कहाँ ए अनसार की जमात बताओ क्या तुम मैं आने से पहले क्या तुम गुमराह नहीं थे हक़ से दूर नहीं थे मेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी और तुम जो है फ़ीर थे फ़्रो फ़ाखे की ज़िंदगी गुजार रहे थे अल्लाह तै ने मेरे ज़रिए तुम्हें मालदार बनाया और ये भी कहा कि तुम मेरे आने से पहले मुतहद नहीं थे इख्तलाफ इकति, और इफ्तार के इख्तलाफ के जो है शिकार थे आपस में बटे हुए थे और ऐसी जंगें तुम्हारे दरमियान होती थी सालों साल वो जंगें चलती थी कि बताओ कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए तुम्हें एक जगह एक प्लेटफार्म पे जमा नहीं किया ये तमाम सवाल जब अल्लाह के नबी सासम ने किए तो अनसार ने जो है एक आवाज़ होकर जवाब दिया कहा कि अल्लाह उसके रसूल सल्लाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान अल्लाह उसके रसूल का हम पर बहुत बड़ा जो है एहसान है इसी तरह देखिए आपसी ये इस्लामी भाईचारगी का ये तकादा है कि हम बाहमी जो हुकूक बताए गए हैं कुरान और हदीस में उसकी मुकम्मल रियायत करें हुकूक की तरफ मैं इशारा करूँगा सबसे पहला बुनियादी हक़ ये है कि एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करना इस्लाम और ईमान का ये रिश्ता ये बहुत बड़ा रिश्ता है इसके इसका ये तकादा है कि हम और आप अल्लाह के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करें और मोहब्बत का ज़रिया भी बताया गया अल्लाह के नबी सास ने सही हदीस जो सही बुखारी सही मुस्लिम में हैं कि अल्लाह के नबी सास ने कहा जब तक तुम मोमिन ना हो तुम जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते और कहा क्या मैं ऐसी चीज़ ना बताऊँ जिसके ज़रिए तुम आपस में उल्फत मोहब्बत करने लगो अल्लाह के नबी सास ने फरमाया अबसुसल्लामी नकुम सलाम को फैलाओ आपस में उल्फत मोहब्बत जो है बढ़ेगी इसी तरह अल्लाह के नबी सा दूसरी रिवायत जो मत इमाम मालिक की है मुसल आपने रिवायत किया तसाफ हो अल्लाह के नबी ने कहा जब भी मुलाकात हो आपस में मुसाफ़ा करो मुसाफ़ा करो येद हबुल अल्लाह के नबी सा ने कहा दिल का जो कीना है दिल में जो बोगज़ो नफ़रत है वह ख़त्म हो जाएगी व तहाद तहु और आपस में जो है आपस में जो है तहाद उतु यह दर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आप को दिया हम और आप को यह दर्स दिया कि तहादु तहा हदिया दो आपस में एक दूसरे को जो है हदिया दो इससे जो है मोहब्बत बढ़ेगी और तदहबुल शहना तुम्हारे दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी तो इन दोनों हदीसों पर हम गौर करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया हम आपस में सलाम करें मुसाफ़ा करें एक दूसरे को हदिया दें छोटा ही सही हदिया दें और हदिया का बदला भी दें अल्लाह के नबी सा जब भी कोई हदिया पेश करते उसका बदला भी आप सासुम दिया करते थे कम से कम दुआ तो करें कम से कम दुआ करें इसी तरह बाहमी मोहब्बत से जो अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब होती हैं अल्लाह ताला ने बहुत सारी रवायत हैं सही तरकीब व तरहीब में इमाम मुंजरी रहमत आलिन ने यह रवायत नकल की हैं अल्लाह तै ने फ़रमाया हदीसी खदूसी वजब महबती लमत नफ़िया ये महल शाहिद हैं अल्लाह ताली ने फरमाया कि जो मेरी रदा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है अल्लाह ताला उस बंदे से उस बंदी से मोहब्बत करते हैं उस बंदी और बंदे से जो है अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो लोग अल्लाह के खातिर जो लोग अल्लाह के खातिर आपस में जो है मोहब्बत करते हैं आपस में अल्लाह के खातिर जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है एक वाक़ी ही मुस्लिम में मैसे इशारा करते आगे बढ़ूँ अल्लाह के नबी सा ने ज़िक्र किया कि हमसे पहले जो लोग थे अल्लाह ताला ने जो है एक शख़्स था अल्लाह का बंदा था अल्लाह ताला देखी कैसे मोहब्बत करता है यादा उसको पसंद आई कि वो अपने भाई से मुलाक़ात के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में आया और उसने पूछा किस लिए वहाँ जा रहे हैं तो उसने कहा कि सिर्फ अल्लाह के खातिर सिर्फ जो है अल्लाह के खातिर सिर अल्लाह के खातिर मैं वहाँ जब मेरे भाई से जो है मुलाकात के लिए मैं जा रहा हूँ जब उसने कहा तो फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि असर यही वजह है क्या सिर्फ वही वजह है तो उसने कहा कि हाँ सिर्फ यही है उस पर कोई एहसान नहीं है तो कहा कि अल्लाह ताला ने यह ऐलान किया है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि अल्लाह की वजह से अल्लाह की खातिर जो मोहब्बत करता है अल्लाह ताला भी जो है उससे मोहब्बत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह महज़ अल्लाह के लिए तुमने मोहब्बत की है तो अल्लाह ताला, भी ताला है तुमसे मोहब्बत अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह बाहमी मोहब्बत से जो है ईमान की लजत हमें नसीब होती है आपस में अगर ईमान के खातिर हम एक किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें ईमान की हकीकी लजत जो है नसीब होती है ईमान की हकीकी लजत अगर किसी को चाहिए ईमान की हकीकी लजत अगर किसी को चाहिए आपस में अल्लाह के खातिर जो है महब्बत करना चाहिए जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में मरवी हैं इसी तरह अल्लाह की ऱा की खातिर महब्बत करने से रोज़ियामत अल्लाह ताली का सया जो है नसीब होता है अल्लाह ताला का ख़ियामत के दिन जो है साया नसीब होगा इसी तरह देखिए एक लाजमी तकाजा है इस्लामी भाईचारगी का एक दूसरे से हमदर्दी हम करें एक दूसरे से हमदर्दी करें इस सिलसिले में प्यारे नबी सा की काफ़ी हिदायत हैं तालीमात हैं एक हदीस हैं सही मुस्लिम की जिसमें अल्लाह के नबी सा आसम ने कहा जिस आदमी के पास अगर एक से ज़ायद सवारी हैं तो अपने भाई को दें और जिसके पास खाने पीने के कोई साजो सामान हो तो अपने भाई को दे दें रावी अबू सद ख़ुदरी रदील्ल् तैन फरमाते हैं अबू सदुरी रदी अल्लाह तैाल फरमाते हैं कि हमें ऐसा लगा अल्लाह के नबी सास ने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया हमें यहाँ तक हमने ये समझा कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पर हमारा हक़ नहीं अल्लाह अकबर ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं गोया उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं अल्लाह के नबी ने इतना जो है उभारा है इसी तरह देखिए याद रखें जब महाजरीन मक्के के रहने वाले साहबा के जब मदीना मनवर तशरीफ़ लाए थे अल्लाह तो के नबी वसल्लम ने जो है अब्दुलरम बिनआफ को साद बिन रबी का भाई बना दिया उन्होंने बहुत सारे अपने खेत को पेश किया अपने दो बीवियों को पेश किया कि जिसको प, जो पसंद हो कहो मैं तलाक़ दूंगा इद्दत के बाद जो है शादी कर लेना इतनी बड़ी कुरबानी साहबा ने दी और देखिए इस्लामी भाईचारगी का एक तफादा ये है कि खंदा पेशानी से मिले आपस में जब भी मुलाकात हो आपस में जब भी मुलाकात हो हम एक दूसरे से जब भी मुलाकात करें तो जो है खंदा पेशानी से मुलाकात करें मुस्कुराते हुए मिलें मुस्कुराते हुए मिलना किसी मुसलमान से ये सदक़े का जो है सवाब मिलता है इस पर सदक़े का जो है सवाब मिलता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फ़रमाया ला तर ना मिनारूफ ही शय आलो अंतल का आज हिन् तलक़िन सही मुस्लिम की रिवायत कि तुम किसी भी नेकी को हक़ीर मत समझो किसी भी नेकी को अख़िर मत समझो गर्ज से कि तुम अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलो अपने भाई से जो है मुस्कुराते हुए मिलो इस पर भी नकी का स्वाब मिलेगा इसी तरह अल्लाह के नबी सली वसम ने और बहुत सारी बातों का जिक्र किया है इस्लामी भाईचारगी का एक लाजमी तफादा ये भी हैं कि अच्छी गुफ्तु तो की जाए आपस में जब भी मुलाकात हो बैठें मिलकर अच्छी बातें हम करें अच्छी बातें करें प्यार अल्लाह ताला ने हकम दिया सूर्य बकरा में आयत नंबर एटी थ्री में वुलना से हसन के लोगों के साथ भलाई की बात करो वकुल इबादी यती ही आहसन और ये भी कहाँ मेरे बंदों से कह दो लोगों से ऐसी बात कहा करें जो बेहतरीन हो उम्दा हो पसंदीदा हो। इसी तरह कहा कहाकलिम तो तय सदक़ा के पाकिजा कलिमा जो है सदक़ा हैं इसी तरह इस्लामी भाईचारगी का एक अहम तकादा ये हैं कि मुसलमानों के लिए हम रहमदिल हों नरमी के पहलू के इख्तियार करें तोज़ु इख्तियार करें अल्लाह की खातिर जो हैं हम पूरी कोशिश करें हमारा मिलना उठना बैठना मिलना झुलना जो है अल्लाह रब्लम के लिए हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमारा उठना बैठना मिलना जुलना जो है अल्लाह के खातिर होना चाहिए इसी तरह देखिए बहुत सारे अहादी इस सिलसिले में वारिद हैं अल्लाह ताला ने मोमिनों की एक अदीम सिफत बताई अदिल्लातीमिन आय़ीन काफ़री कि मोमिन अहिल ईमान आपस में एक दूसरे के लिए नरम दिल होते हैं और काफिरों के लिए सख्त होते हैं सुर सुर फतह के आखिर में भी कहा रोहा उबे नहम रोहा उबैन आपस में जो है रहम दिल हैं मोमिन आपस में एक दूसरे के लिए जो है रहम दिल हैं अल्लाह ताला ने जो है यह अज़ीम सिफत जो है मोमिनों की अल्लाह ताला ने बताई है इसी तरह अल्लाह के नबीम ने एक सही रिवायत है जिसको मालवानी ने सही करार दिया है सही तरगीब में मनखाना हई नन लई नन करीब हर्रमल्ल नार जो आदमी आसान आसानी करने वाला आसान पसंद हो नरम दिल होब हो लोगों से उस पर अल्ला ने जहन्म को हराम कर दिया है इसी तरह आपसी मामलों लेन देन में तजारत में नरमी का मामला करना उसको भी जो है खुशखबरी सुनाती हूँ अल्लाह के नबी सा ने दुआ की राम रजुला समह हन इदाबा अवैद अश्तर अवैद अख्तदा सही बुखारी की रवायत अल्लाह ताली उस पर रहम करे जो ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त और इसी तरह आपस में मामला करते वक्त जब भी कोई चीज़ ख़रीदता बेचता है ख़रीदता बेचता है कोई भी मामला करता है तो आसानी फरमाता है इसी तरह अल्लाह ताल ने ममिनों की एक सिफत बताई वह अल्लाह ताली ने प्यारे नबी सा आसम को हुक्म दिया कहा वक्फ़ना कलीमन तबामिन मोमिनों में से जो भी आपके पैरोकार हैं उससे आजिज़ी से पेश आएँ एक अदीम सिफत है इसका हमें हुक्म दिया गया मम तवाद अहद ला अफ़ाला सही मुस्लिम की रवायत आखिरी टुकड़ा है जिसमें अल्लाह के नबी साहस ने कहा जो अल्लाह के कातिर तोज़़़ इख्तियार करता है अपने आप को झुकता है लोगों के सामने नरम तबीयत से पेश आता है तोज़ो इख्तियार करता है अल्लाह के नबी सासु ने कहा कि अल्लाह ताल जो हैं उस बंदे की उस बंदे को बुलंद मकाम अल्लाह ताला तता फ़रमाते हैं ये कदम सिफत है इस्लामी भाई भाईचारगी का एक अहम तदादा ये भी हैं कि मुसलमान बीमार हो हमारे भाई तो हम उसकी यादत करें यादत की काफ़ी फजीलत जो है अहादीस में बयान की गई हैं जन्नत के जो है बागीचों में चलना चलने के मुतरदिफ़ है एक रवायत के मुताबिक एक रवायत में अल्लाह के नबी सासम ने कहा कि सुबह में अगर जाता है यादत के लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं अगर शाम में जाता है सुबह तक सत्तर हज़ार फरिश्ते जो हैं उसके लिए दुआ करते हैं ये सुनन तिरमिजी की सही रिवायत है जिसको अलामानी रहमत करार दिया है इसी तरह इत ये है इस्लामी भाईचारगी का मुसलमान की खैर खाई मुकम्मल खैर खाई हम करें जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद करें जरीबन अब्दुल्ला अलबजली रौदी अल्लाह तहु की मशहूर रवायत प्यारे नबी वसलम के बारे में कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी स से बैत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बा व तो रसूल्ला मुस्लिम सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत के मैंने अल्लाह के नबी स इस बात पर बैत की नमाज़ क़ायम करूँगा ज़कुत अदा करूँगा और हर मुसलमान के लिए खैर ख़ा बन के खैर ख़ा साबित होंगा उनकी उनका एक वाक़ा मशहूर है सब इशारा करूँगा किसी सवारी को उन्होंने खरीदा बेचने वाले ने बहुत कम कीमत में दी आप उसके पास गए और कहाँ अंदाज़ा लगाया कि किसी मजबूरी की वजह से उसने ऐसा किया इस हदीस पर अमल करते हुए खैर खाई की और उससे दुगनी या तिगनी जो है आपने कीमत अदा की और उसको ख़रीदा अल्लाह साहबा ने इस तरह अमल किया आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के लिए खैर बने आपसी इस्लामी भाईचारे को फ़रो दें ख़ास से लॉकडाउन के अयाम में लॉकडाउन के अयाम में एक दूसरे के माविन बने मददगार बने जो भी ताकत अल्लाह ताला ने दी है इल्म दिया है इल्म को खर्च करें लोगों की रहनुमाई करें लोग परेशान हैं उनको तसल्ली दें लोगों के लिए हम दुआ करें उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें माल अल्लाह ने दिया है माल खर्च करें अपने भाई बहनों की मदद करें तलाश करें बेवा, यतीम मोहताज उनकी मदद करें बहुत बड़ा आदर वब हैं असाईअर्मिलमस्किन असाईअलमिलस्किन कल मुजाहिदीफ़ी सभी अल्लाह के नबी सास ने कहा बेवा मस्किन मोहताज की मदद करने वाला उसके लिए दौड़ धूप करने वाला मेहनत करने, करने, करने वाला उनकी खैर खाई करने वाला उन पर माल खर्च करने वाला उनकी निगरानी करने वाला उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने वाले की फ़जीलत बयान की कि गोया अल्लाह के रास्ते में क़ाल करने वाले के बराबर हैं दूसरी बात में है कि जैसे रात भर जो तहजद पड़ता है उसके बराबर वाब मिलेगा और कहाँ दिन भर जो रोजा रखता है उसके बराबर जो है सवाब मिलेगा सही मुस्लिम की रिवायत इसी तरह मजलूमों की मदद करना इस्लामी भाईचारगी का एक लाजमी तफादा ये है कि जो हम में से मजलूम है मजलूमों के जो, हम, हम जो है हम मजलूम की मदद करें जो भी मजलूम हैं उनकी मदद करें वनसरुकम फिदीन फाल कुमन सुर अनफान में अल्लाह ने कहा अगर वो तुम से दीन के बारे में मदद तलब करें तो उनका उनकी मदद करो जो भी मदद तलब करें किसी भी से इल्मी नाहिए से हो माली बार से हो छोटी छोटी मदद अल्लाह के नबी सा का मामला ऐसा था मदीने की गलियों के अगर एक एक अजनबी लड़की भी जो है जो लौंडी कहलाती है अगर अजनबी औरत भी आके अल्लाह के नबी सा मदद मांगती आप उसकी मदद के लिए चले जाते बूढ़ी खवा उस औरत का भी वाक्य मशहूर है मक् मुकर्रमा में जिसकी खिदमत अल्लाह के नबी सास ने की उसका सामान उठाया और जब उसने आखिर में कहा तो कि यहाँ एक शख्स है जो फितना फसाद फैला रहा है तो अल्लाह के नबी सास ने आखिर में जब कहा कि मई वो शख्स हूँ इस्लाम कबूल किया ये अख्लाक हैं अगर हम किसी की मदद किसी की हम मदद करें किसी की मदद करें किसी भी ना से क्यों ना हो हम मदद करते हैं तो अल्लाह रब्लम जो हैं आपस में जो है उल्फत मोहब्बत और इस्लामी भाईचारगी का जो लाजमी तकादा है आपस में मोहब्बत बढ़ेगी आपस में एक दूसरे के सही हम हमदर्द हों खैर खा हों तो जो सही तालीम अल्लाह ताला ने जो तलीमत हमें दी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलीमत दी हैं उस पर अमल उसी वक्त का अमल जो है मुकम्मल होगा मुकम्मल अमल पैराम होंगे जब हम इस्लामी भाईचारगी को फ़रोग दें हर एक की मदद करें हर मुमकिन तरीके से अल्लाह के नबी सास ने मदद के बारे में मज़लूमों की मदद के बारे में कहा चाहे वो ालिम हो, हो मज़लूम अपने भाई की मदद करो मज़लूम तो समझ में आता है भाई ालिम हो तो अल्लाह के नबी साने इशारा किया कि तुम उसको उसके म्म से रोक दो िम को जो है उसके म्म से रोकना ये उसकी मदद है इसी तरह मुस्क जो लोग हैं उनके हक़ में सिफारिश करें मयशवा शफ़ातन हसना यकुन लहु नसीबुमिन सुर नसा में अल्लाह ने कहा जो शक नेक नेक बात की सिफारिश करे उसके सवाब में उसका हिस्सा है इसी तरह बुराई में मदद करेंगे तो बुराई में हिस्सा होगा इशवा अल्लाह के नबी सा ने यह भी कहा सही बुखारी मुस्लिम में सिफारिश करो तुम्हें आज्र मिलेगा सिफारिश करो तुम्हें आज्र मिलेगा जिसके भी जिसको भी हम समझते हैं कि माशरे का कमज़ोर तबका खा, खास तौर से उसके हक में सिफारिश करें खास और जहाँ होता है किसी किसी के हक़ हाँ को छीना जाता है हम उसकी मदद करें हम उस भाई की बहन की मदद करें अल्लाह ताला हमें अजर सवाब, अता फ़रमाएंगे इसी तरह गायबाना दुआ करना इस्लामी भाईचारगी का एक तफादा यह है आज ज़रूरत है कि हम हरेक के लिए दुआ करें हर एक के लिए दुआ करें जो भी गायबाना दुआ करता है सही मुस्लिम की रिवायत एक फ़रिश्ते को अल्लाह ने मुकर किया है जो आमीन कहता है उसकी दुआ कबूल होती है इसी तरह मैं इशारा करते हैं आगे बढ़ूँ वक्त हमारा कम है हक़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम ख़म्स अल्लाह के नबी सा उसने इशारा किया उसमें सलाम का जवाब देना मुलाकात हो तो सलाम करें बीमार हो तो इयादत करें और इसी तरह जनाजा मुसलमान का जनाजा हो तो उसकी पैरवी करें जनाजे में शरीक हों अगर कोई हमें दावत देता है चाहे दीन के सिलसिले में या खाने पीने के सिलसिले में उसकी दावत को कबूल करें अगर छींक आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो उसका जवाब दें और एक हदीस उसकी तरफ मैं इशारा रहमतुल्लाह रहा ने सही ज़ामे में उसको ज़िक्र किया है अल्लाह के नबी साहब बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया किसी को खुशी में शामिल होना किसी को तसल्ली देना किसी भाई की कोई मदद करना कोई मुसीबत परेशानी उससे दूर करना हती कि अल्लाह के नबी सासन हदीस में कहा कि एक महीना अगर मैं किसी मस्जिद में अहतकाफ के लिए बैठूँ उससे बेहतर है कि मैं किसी भाई की मदद के लिए जाऊँ अल्लाह पर किसी की मदद करना एक महीना अहतकाफ़ करने से बेहतर अब्दल करार दिया गया तो हम इस्लामी भाईचारगी का लाजमी तकाजा हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें एक दूसरे के हमदर्द बने खैरखा बने इसी तरह देखिए इस्लामी भाईचारगी एक मुसलमान को दूसरे का मुसलमान भाई बनकर रहना है ज़िंदगी गुजारना है कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर उसका इरतक हम करें तो आपस में उल्फत मोहब्बत की जगह हसद कीना कपट ये हमारे अंदर आता है तो कुछ बुराइयाँ हैं कुछ ऐसे इसबाब हैं जिससे बचना ज़रूरी हैं चंद बातों की तरफ़ इशारा करते हैं मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा सबसे पहले चीज़ ग़ीबत है किसी भाई की ग़ीबत ना करें किसी के बारे में जो उसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है ऐब उसको बयान ना करें ईबत होगी जिसके अंदर है उसको तनहाई में उसको नसीहत करें उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताली उस ऐब को ख़त्म कर दें किसी तीसरे के सामने हम जिक्र करते हैं वाजे नाम लेकर या इशारा करके तो में शामिल होगा अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया सुर हजरात को पढ़ें गोया किसी मुसलमान भाई अपने भाई के ज़िंदा भाई के गोश खाने के मुतरफ़ अल्लाह ताला ने तरार दिया हदीस में अल्लाह के नबी सा उसको कबीरा गुना कररार दिया इसी तरह एक बुराई चुगल हैं किसी दो भाइयों को लड़ाने के लिए दो खानदानों को लड़ाने के लिए दो कबीलों को लड़ाने के लिए दो सोसाइटियों को लड़ाने के लिए कोई भी दो मिलकर रहते हैं उनको लड़ाने के लिए अगर एक के बाद दूसरे को फैलाएं पहुंचाएं और नीयत खराब हो बिगाड़ का मकसद जो है बिगाड़ हो ये चुगल खोरी कहलाती है इसकी भी सख्त वहीद आई है अल्लाह के नबी साहब सही बुखारी की रिवायत इशारा किया दो ख़बरों की तरफ कहा इन दोनों का अजाब हो रहा है एक के बारे में कहा चुगलखोरी करते हुए फिरता था और दूसरी रिवायत में कहा लायद खुल जन्नत नमाम सही मुस्लिम की रिवायत चुगल खोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा इसी तरह बस जनी किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं करना चाहिए और ग़लत तरीके से जासूसी नहीं करना किसी की बातों को सुनना किसी के दस्तावेज़ा छुपे हुए प्रोफाइल जिसको कहते हैं किसी के ज़ाती मालूम को देखना उसको मालूम करने की कोशिश करना ये बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा गुनाह है अल्लाह ताला ने सुर हजरात आयत नंबर 12 में मना किया कसरम मिनद्दन भी कहाला तजस ससू भी ने कहा जासूसी ना करें बुरा गुमान ना करें ईकुम्दन प्यारे नबी साहब ने कहा बुरे गुमान से बचो सही बुखारी सही मुस्लिम की यह रिवायत है इसी तरह किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की तहखीर ना करें बुरे अलकाब से ना मुल्कब करें किसी को लंगड़ा कहना किसी को अंधा कहना किसी को बुरे बुरे अलकाब से ये ये फ़लाँ हैं ये फ़लाँ हैं ऐसे बुरे अलखाब से मनक्ब ना करें जिसको नापसंद करता है अल्लाह ताला ने शुर हजरा थी आयत नंबर 11 में कहा कोई किसी का मजाक ना उड़ाए हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उससे बेहतर हो चाहे मर्द हो या औरतें हों दोनों की तरफ इशारा किया और आखिर में कहा कि आपस में बुरे अलखाब से किसी को मलक्ब ना करें इसी तरह एक अहम चीज़ बुग्ज़ व हसद ना रखें हसद ना करें किसी ये पहला गुना जुर्म था इबली इसने आदम सलाम से हसद किया जन्नत से निकाला गया आप उसमें बुग्ज़ ना रखें ला तहाँ सदु वाला तबा गतु अल्लाह के नबी सा ने कहा सही मुस्लिम की रिवायत है आपस में एक दूसरे से बुख् ना करो हसद ना करो इसी तरह ख़ते त्लु ही ना करें मामूली मामूली बातों पर आज देखें छोटी छोटी मसले हैं ख़ानदान कबीले जुदा हैं भाई भाई से जुदा हैं इस्लामी भाईचारगी का तफादा है ज़रूरत इस बात की है कि तल्लुत को बढ़ाएँ तीन दिन से ज़्यादा अल्लाह के नबी सास ने कहा कि कोई किसी से जो है बातचीत ना छोड़ें और सबसे बेहतर वो हैं जो सलाम से आगाज़ करें सलाम से आगाज़ करें हम अल्लाह के लिए जुड़ें अल्लाह का फतलक्रम है अल्लाह ने एहसान किया हमें मोमिन बनाया आपस में ये तल्लत अल्लाह ने इस्तवार किए हैं ये तालीमत अल्लाह ताला ने पैर नबी सासम के ज़रिए दी हैं हम और आपका फरीदा बनता है कि हम और आप सही मानों में अल्लाह का जो है शुक्र अदा करते हुए और शुक्र का लाजमी तदा ये है कि अमल करें तलीमत को अपनाएँ और भाईचारगी के जो आ... की अहमियत को समझें उसके तखादों को पूरा करें एक दूसरे की हर मुमकिन मदद करें अल्लाह के ख़ातिर दीन के खातिर हम मदद करें अल्लाह से दुआ हैं कि आखिर में ताला हम तमाम को जो भी बातें हमने सुनी हैं समझ लें कि अल्लाह तोफ़िकता फ़रामए अमल के साथ साथ इन अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाने की साद नसी फरमायें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे हालत ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातिमा तो की हालत में हो अदलखल्वास्तव फिरमसलि अमिनम बिन फस्त फ़िरफ़ुररहीम अल्लाम वरहमतुल्ल वह